महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। हमेशा हमने पुरुषों ने यही सोचा है, एक महिला चूल और मूल, इसके बिना कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आज आपने देखा होगा हमारे मेरे मतदार संघ के गरीब वर्ग की लड़का लड़की भी ओलंपिक में उसने रजत क्रमांक प्राप्त किया है। तो महिला भी सक्षमीकरण होना चाहिए, महिला भी हर समाज के शैक्षणिक हो या पीड़ा हो या डॉक्टरी हो या इंजीनियर, हर चीज़ में महिला आगे जानी चाहिए और गरीब महिला और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए शिंदे साहब ने बेटी, आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ में लोकसंख्या में महिलाओं की लोकसंख्या कम है और पुरुषों की ज़्यादा है, तो महिलाओं की लोकसंख्या बढ़ना चाहिए। हर कोई चाहता है मुझे बेटा ही वारिस हो जाए, बेटी वारिस किसी को, माँ को भी नहीं चाहिए, और अगर माँ पसंद भी करती है तो घर वाले उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। इसके लिए इसी तहत से आज बेटी हो जाएगी तो उसको पहला 5,000 रुपये मिलेगा, 18 साल के हो गए तो उसको 1,10,000 रुपये उसको मिलेगा, एंड उसका शिक्षण का पूरा खर्चा महाराष्ट्र शासन कर रहा है। वो आगे जाके बढ़ के अपने खुद के पैरों से खड़े होकर बाप को संभालेगी। आजकल बेटे बाप को कम संभालते हैं, बेटियाँ ज़्यादा संभालती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उसका हम सब महिलाएं लोग स्वागत करते हैं। इसकी योजना कैसे रहेगी, खाते में पैसे? शासन की जो निर्देश है उस हिसाब से जैसे पैदा होगी, बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके अकाउंट में उन्हें फॉर्म तो जमा करना चाहिए, सरकार को माहिती देनी चाहिए, उसके अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा। भाजपा के आमदार ने एक नीतीश राणे ने ऐसा कहा, भाई नीतीश राणे क्या बोले उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ये त्यौहार है, त्यौहार में सब लोग ने खुशी मनाना चाहिए। हिंदू के त्यौहार में मुसलमान भी खुशी मनाए, मुसलमान के त्यौहार में हिंदू भी, ये कोई हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। पास करा।